हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू टेक्स बुक सुपर कोचिंग ए जे चैनल कैसा है सब लोग स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के सेशन में सो वी आर हियर फॉर योर अपकमिंग एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम ओपन केडर और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नाउ लेट मी रिमाइंड यू क्लास की शुरुआत में मैं बता देता हूँ कि ये जो आज की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो ए एग्जाम थी उस एग्जाम को लेके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि इस बार पहली बार आई एग्जाम कंडक्ट करने वाला है अभी तक टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करता था और इसी वजह से चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके रहते थे आ, इस साल पांच ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं बिकॉज ऑफ आई लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है वो पुराने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसलिए हम चार ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस ही करेंगे ठीक है लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है बढ़िया से सारे इंग्लिश के क्वेश्चन कवर करने वाले हम लोग वोकैबलरी uh, के ग्रामर के कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग पैटर्न के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम कवर करने वाले आज तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन लेट स्टार्ट द लेक्चर आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार जुड़ रहे हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सो so दैट बाकी लोगों को भी यहाँ पर <coughs>

उनके मीनिंग्स लिखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पैटर्न देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी तो धीरे धीरे आपको स्कोर जो है वो बढ़ता चला जाएगा अशोक कुमार जयसवाल पीडीएफ में आज सारे भेजने वाला हूं दो तीन दिन के पीडीएफ मेरे रह गए हैं सेंड करने के तो आपको सारी पीडीएफ आज एक साथ मिल जाएंगी टेलीग्राम पर डोंट वरी चलिए शुरू करते हैं रेडी है सब लोग पहला सवाल देखते हैं क्या है स्ट क्वेश्चन ऑन य स्क्रीन सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है आपको Ibps एग्जाम लेवल तो हार्ड होगा ऐसा कुछ कह नहीं सकते डिपेंड करता है पांच ऑप्शंस है इसका मतलब यह नहीं कि एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड बनाएंगे मॉडरेट लेवल का भी पेपर आ सकता है तो शुरुआत ऑब्वियसली ए से करनी पड़ेगी हमें मेनी पीपल ए के बाद क्या आएगा मेनी पीपल के बाद क्या आएगा लाइक टू स्पेंड ए के बाद बी लग रहा है क्या स्पेंड करते हैं देर रिटायर्ड लाइव उनकी रिटायर्ड जिंदगी कहा गांव आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है तो शुरुआत हम करेंगे ए के बाद बी ए के बाद बी कहा है ऑप्शन नंबर थ्री में है सो so यही सिक्वेंस से आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर समझ में आई बात चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल द पुलिस फाउंड दैट द विक्टिम वॉज हिट विद ब्लंट वेपन बाय द मर्डरर ब्लंट ये वर्ड है आपका एंटोनियम बताना है आपको ब्लंट का एंटोनियम क्या होगा वाइल्ड शार्प कर्वड या फिर डल ब्लंट का मतलब होता है जिसमें धार नहीं है जिस जो शार्प नहीं है वो ब्लंट है और एंटोनिम इसका बनेगा जो बहुत ज्यादा शार्प है जो बहुत ज्यादा शार्प है जो आसानी से कट कर सकता है तो शार्प के साथ जाएंगे हम लोग कर्व नहीं कर्व का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है ऐसा इसको हम कर्व कहते हैं ठीक है डल जो होता है वो ब्लंट के जैसा ही वर्ड है सिनोनिम बन जाता है और वाइल्ड का मतलब तो जंगली होता है तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हो अगला सवाल है डायरेक्शंस पढ़ने हैं और क्वेश्चन पढ़ना है आंसर करना है फटाफट से आंसर करेंगे पोलिसमैन इन द टाउन आर हैंड इन ग्लव विद द बैंडिट्स गांव में जो पुलिसमैन है बैंडिट्स के साथ बैंडिट्स यानी कि चोर डकैत उनके साथ क्या है हैंड इन ग्लव मतलब क्या होता है तो बेसिकली एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं थोड़ा सा आप पैसे कमा लो थोड़ा सा हम कमा लेंगे ऐसे टाइप का तो ऑन इंटीमेट टर्म्स इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज जो एक दूसरे से नजदीकी बना के रखते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है उसको हम कहते हैं इंटीमेट टर्म्स में होना है ना ग्लव हाइड नहीं कर रहे हैं हैविंग कंट्रोल ओवर किसी के ऊपर कंट्रोल होना बिल्कुल नहीं ट्राइंग टू मेकअप अ क्वारल झगड़ा करने की कोशिश नहीं तो सही जवाब क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन ठीक है Next question. <clears throat> to grind or crush into fine particles. One word substitution. Polaroid, polygon, pulverize, or ponder. पुलवराइज कहते हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को क्रश करना ग्राइंड करना पुलवराइज करना वर्ब है पॉलीगॉन क्या होता है ज्योमेट्री में आपने सुना होगा जो शेप जिसके मल्टीपल क्या होते हैं एंगल्स होते हैं मल्टीपल साइड्स होते हैं उसको पॉलीगॉन कहते हैं ठीक है पॉन्डर करने का मतलब क्या होता है सोचना गहराई से किसी चीज को लेके यस yes. और पोलोराइड आपने सुना होगा पोलोराइड ग्लासेस होती है पोलोराइड टेलीविजन वगैरह ये सारी चीजें आपने सुनी होगी रूमिनेट थिंक बिल्कुल सही पॉन्डर इज सोचना किसी चीज के ऊपर बिल्कुल सही जवाब है पुलवराइज ये वर्ब है क्रिया है नेक्स्ट नाउ यहाँ पर कुछ वर्ड्स हाईलाइट करके दिए हैं अंडरलाइन करके दिए हैं इनमें से कौन सा वर्ड गलत है सही तरीके से नहीं लिखा बताइए <coughs> स्माइलिंग यंग वुमन इसमें स्माइलिंग यंग वुमन सही लग रहा है वॉकड कॉशियस ये गलत हो गया देखो वॉकड आपका वर्ब है ना और कैसे चल रही है वो ऐसे चल रही है मतलब ये वर्ड क्या होना चाहिए एडवर्ब होना चाहिए क्योंकि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी एडवर्ब से मिलती है लेकिन एडवर्ब के एंड में एलवाई लगता है कॉशियस का बनेगा कॉशियसली कॉशियसली बनता है तो सही होगा तो सेकेंड वाला वर्ड जो है वो गलत है बी आंसर आपका सही है बाकी देखिए फ्रेशली ये चलेगा ओवर द फ्रेशली मॉप्ड फ्लोर कैरिंग द फैंसी बैग तो फ्रेशली और कैरिंग में कोई दिक्कत नहीं है स्माइलिंग यंग में कोई दिक्कत नहीं है है ना चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट स्टीप डैश ऑफ द हिल वॉज अ चैलेंज टू द ट्रेकर्स ऑप्शन कंफ्यूजिंग है यहां पर देखिये सबसे पहले तो स्टीप ये वर्ड देखिए स्टीप ये एडजेक्टिव होता है विशेष मतलब क्या है कि जो स्टीप है मतलब ऐसा बहुत ही आ, वर्टिकल है ऐसे स्टीप स्लोब कहते हैं ना नाउ एडजेक्टिव के बाद फिलर है मतलब यहाँ पर नाउन ना आएगा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हुँ? अभी एक्सीडेंट ये ये स्टीप स्टीप नहीं होता किस चीज़ का है है हिल हिल है ना एक ऐसा हिल है और यहाँ पर हमारे सारे ट्रैकर्स खड़े हुए हैं ठीक है तो इनके लिए ये एक बड़ा सा चैलेंज है इसके ऊपर चढ़ना ठीक है तो एक्सीडेंट तो नहीं आएगा और हमें नाउन चाहिए तो देखिए एसेंड ये जो वर्ड होता है ये वर्ब होता है क्रिया होती है इसका मतलब होता है टू क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना तो आप बोलेंगे सर डी क्यों नहीं आएगा फिर ऊपर चढ़ने की क्रिया होती है ये प्रोसेस है वर्ब है लेकिन हमें यहां पर वर्ब नहीं चाहिए हमें नाउन चाहिए तो ऊपर चढ़ने के ही जैसे मीनिंग होने वाला नाउन क्या होगा तो उसका आंसर आता है यहां पर सॉरी एएससीेंट -E एसेंट ए डबल एस टी वाला जो एसेंट होता है इसका मतलब होता है एग्रीमेंट किसी के साथ एग्री होना किसी के साथ कंकर करना है है ना तो तो वो होता है A -S 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 वाला एसेंट। तो यहां पर आएगा ए एस सी एन टी एसेंट ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है समझ में आई बात कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को जब आंसर्स ट्रिकी होते हैं तो आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है ग्रामर का इस्तेमाल करना है देखना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लगेगा सेंटेंस के अंदर और उस हिसाब से आंसर करना चले आगे बढ़ते हैं एक बार जल्दी से सभी बच्चे जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश के और जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने के वजह से ये सारे टीसीएस पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं और इसी वजह से चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इस साल आई कंडक्ट करने वाली है एग्जाम तो एग्जाम में पांच ऑप्शंस आएंगे लेकिन पांच ऑप्शंस वाली जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे रेगुलर क्लासेस में होती है रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग्स भी आपको पता है मंडे से लेके फ्राइडे तक दोपहर को दो बजे तो वो दो बजे वाली क्लास जो है उसमें पांच ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला एक स्पेशल लेक्चर है इसलिए चार ऑप्शन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की चलिए अगला सवाल आई अर्ज सीमा टू डैश इन टच विथ मी रेगुलरली कम इन टच टेक इन टच कीप इन टच या गो इन टच कैसे बोलते हैं कीप इन टच है ना या फिर स्टे इन टच भी बोलते हैं कभी कभी स्टे इन टच या फिर कीप इन टच बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है नेक्स्ट अब यह थोड़ा सा अलग पैटर्न का सवाल है एरर स्पॉटिंग ही डिडेंट न्यू वेयर टू कीप हिज बुक्स सो ही लेफ्ट देम लाइंग ऑन द टेबल कौन से पार्ट में एरर है बताइए जल्दी से hmm. इसमें गड़बड़ है ना देखिए डिड के बाद में हमेशा V1 लगता है ऑलवेज तो क्या आएगा डिड नॉट नो के एन ओ डब्ल्यू ही डिड नॉट नो न्यू के जगह आएगा नो no. न्यू के जगह नो मतलब तीसरे पार्ट में एरर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गलत लिखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ एन एरिया बहुत ही आसान सा सवाल है फ्लोरा बॉटनी जियोग्राफी या फोना किसी भी एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग फ्लोरा कहते हैं यस yes? ए आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। बॉटनी जो है, वो दोनों की स्टडी है फ्लोरा एंड फोना। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों मिलके जिसकी स्टडी को बॉटनी बो, कहा जाता है so तो ये नहीं चलेगा ज्योग्राफी तो आपको पता ही है भूगोल आजू बाजू का जो टॉपोग्राफी है उसकी स्टडी करना और फोना का मतलब होता है सिर्फ एनिमल्स वाइल्ड लाइफ नेक्स्ट शी यूज हर पोजिशन एज अ मिनिस्टर टू परवर्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस परवर्ड ये जो वर्ड है उसका सिनोनियम बताना है एंफ्यूजन हो रहा है लीड प्रॉपरली के साथ कुछ लोग जा रहे हैं विच इज नॉट नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर ये जो शी पर्सन है वो क्या है मिनिस्टर है और अपने मिनिस्टर होने की ये जो पोजीशन है उसकी उस पोजीशन का उसने इस्तेमाल किया क्या करने के लिए कोर्स ऑफ जस्टिस को यानी कि कोर्ट में जो कोई केस चल रही है उस केस का डिसीजन अपने हिसाब से लगाने के लिए मे बी वो जज को मैनेज कर लिया मे बी धमकी दे दी किसी को पुलिस को वगैरह पुलिस को मैनेज किया जो भी है तो परवर्ट किया है मतलब क्या किया है जो एक्चुअली जस्टिस मिलना चाहिए जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आया वो कुछ अलग ही आ गया है मिनिस्टर साहब के हिसाब से रिजल्ट आया है मतलब यहाँ पर क्या हुआ है टर्न अवे किया है उसने जस्टिस को टर्न अवे कर दिया है यानी कि पूरा बदल दिया है समझ में आई बात अगर लीड प्रॉपरली कर लिया है तो फिर ये क्यों आएगा आएगा ऐसे उसके पोजीशन का फायदा उठाया उसके पोजीशन का यूज किया उसने इस्तेमाल किया वगैरह नहीं आएगा ना और दूसरी बात फैसिलिटेट भी तो वही होता है ना कि अच्छे से तेजी से काम करना तो लीड प्रॉपरली अगर दिख रहा है आपको तो ये भी तो हो सकता है उस केस में ए और बी फिर दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए था उस लॉजिक से भी आप ए और बी दोनों को हटा सकते थे क्योंकि अगर बी लग रहा है तो ए भी लगना चाहिए और करेक्ट भी नहीं आएगा फिर इसलिए एक ही नेगेटिव वर्ड है वो है टर्न अवे यानी कि दिशा बदल देना जस्टिस की दिशा बदल देना उस सेंस में समझ में आई बात सबको चलिए आगे बढ़ते हैं वही है कौन सा वाला वर्ड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कंजर्वेटिव हेवियर ग्रैंड या फिर बामी कंजर्वेटिव फादर तो चलेगा यहां पर हैज बॉट सम हेवियर ज्वेलरी नहीं यहां पर आएगा हेवी ज्वेलरी हेवी अर का कंपेरेटिव डिग्री किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं नहीं चलेगा ना हेवी ज्वेलरी फॉर माय सिस्टर्स ग्रैंड वेडिंग ग्रैंड चलेगा इन बामी अक्टूबर बामी का मतलब होता है सूदिंग जो एक प्रकार से बाम का काम करता है जो एक प्रकार से सूदिंग है बहुत ही अच्छा है है ना राहत पहुंचाने वाला वैसे सो ऑप्शन नंबर बी हियर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट डायरेक्शंस पढ़िए फोर सेंटेंसेस रिलेटेड टू अ टॉपिक आर गिवन थ्री ऑफ देम कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ सिलेक्ट ऑड सेंटेंस आउट वाला क्वेश्चन आता है आता है आ सकता है आपके एग्जाम में भी चलिए तो देखिए इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स किसी भी भाषा में कितने वर्ड्स होते हैं ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है नंबर ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं इफ वी कैलकुलेट ऑल द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर का मतलब भी क्या होता है नेम्स जितने भी साइंटिफिक नाम है चीजों के दिस कुड इजीली डबल द फिगर और वो जो फिगर हमारे दिमाग में वो तो डबल हो जाएगा क्योंकि हर एक चीज के साइंटिफिक नाम भी होते हैं एनिमल्स के साइंटिफिक नाम वगैरह होते हैं और यहां पर देखिए फोर है फॉर एग्जाम्पल देर आर अपेरेंटली वन मिलियन इंसेक्ट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब इन साइंटिफिक नॉमिन क्लेचर साइंटिफिक नेम्स जिनके हैं एक मिलियन से ज्यादा इंसेक्ट्स हैं विथ सेवरल मिलियन मोर डिस्क्रिप्शन और बहुत सारे और मिलियन इंसेक्ट ऐसे हैं जो उनका डिस्क्रिप्शन अवेट कर रहे हैं उनका नाम क्या होगा साइंटिफिक ने so बात कर रहे हैं तीसरा सेंटेंस देखिए रन ऑन सेंटेंस इज एन अनग्रामिटिकलशन इन विच टू और तीसरा इसमें किसी sentence के की बात कर रहे हैं जिसको रन ऑन सेंटेंस बोला जाता है जो एक अनग्रामेटिकल तरीका है सेंटेंस बनाने का जिसमें दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बिना कंजंक्शन के जोड़ा जाता है है ना तो ये सेंटेंस हमारा ऑड है क्योंकि बाकी के तीनों जो है वो वर्ड्स के बारे में है के बारे में सो so, तीसरा यहां पर ऑड होने की वजह से ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं <coughs> कोई ऐसा पर्सन कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल से हमेशा एबसेंट रहता है बिना परमिशन के उसको क्या कहते हैं यस yes, उसको हम कहते हैं ट्रुआंट डेलिंक्वेंट ट्राइल प्रोडेजी डेलीजेंट ट्रुआंट ट्रुआंट बी ऑप्शन सही है ना यस चाइल्ड प्रोडजी तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि चाइल्ड प्रोडेजी का मतलब कोई ऐसा बच्चा जो बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा होशियारी दिखाता है एक्सेप्शनल एबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट एक्सेप्शनल एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत छोटी सी उम्र में उसको चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग ठीक है एंड डेलिक्वेंट का मीनिंग अभी एक बार देख लेते हैं मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं मैं भी डेलिक्वेंट कभी कभी भूल जाते हैं ऐसे मीनिंग देखे बिहेविंग बैडली और ब्रेकिंग द लॉ उसको हम डेलिक्वेंट कहते हैं ठीक है सो बिहेविंग बैडली बैड बिहेवियर अगला सवाल Now, ये एक प्रोवर्ब दिया है द फैट बफेलो विल अट्रैक्ट द लीन बफेलो इसका मतलब क्या होता है फैट बफेलो विल अट्रैक्ट लीन बफेलो लीन मतलब दुबला पतला सा वीक पीपल आर एक्सप्लोयटेड बाई स्ट्रॉन्ग पीपल सक्सेसफुल पीपल लीड बाई एन एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग पीपल अट्रैक्ट ओनली वीक पीपल या पीपल रन बिहाइंड थिंग्स दैट दे लैक कन्फ्यूजिंग है कन्फ्यूजिंग है ऑप्शन बड़े ही कंफ्यूजिंग है फैट बफेलो विल अट्रैक्ट बफेलो इसका मतलब ये है कि झुंड में जब कोई बफेलो फैट है या ऐसा थोड़ा सा बल्की है, है वो बफेलो हमेशा लीड करते रहता है पैक को ताकि उसके पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो सेफ रह सके अटैक से तो फैट बफेलो विल अट्रैक्ट लीन बफेलो का मतलब यह है कि एक लीडर जो है वो लीड करता है बाय एग्जाम्पल जो अपने से वीक है जो अपने से कमजोर है उनको साथ लेके चलता है उस सेंस में ये ईडीएम का इस्तेमाल होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस यहां पर होने के वजह से गड़बड़ हो गई बट

डायरेक्शंस में क्या लिखा है सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस। अब ये एकदम टिपिकल ग्रामर का क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना? प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैटर्न क्या होता है एम या फिर इज़ या फिर आर प्लस वी फोर ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस में और एम या फिर इज़ या फिर आर प्लस बी आई एन जी प्लस वी थ्री अगर ऐसा पैटर्न है तो ये बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में इन दोनों में से कोई एक पैटर्न में हमें सेंटेंस चाहिए ठीक है नाउ देखिए हैव बीन फेसिंग इसमें हैव आ गया हैव नहीं चलेगा हमें क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है जिसमें सिर्फ कंटिन्यूस नहीं है वो परफेक्ट भी है इसमें यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन तो नहीं हो सकता फिर आर फेसिंग आर के बाद आई चल सकता है आर के बाद आई बिल्कुल चल सकता है इज फेसिंग ये भी चल सकता है

ऑलमोस्ट फोर सब लोग गया रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देखे सर्जिंग प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स कीमती जो है वो बढ़ रहे हैं वेजिटेबल्स के फ्रूट्स डेयरी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न हाउएवर इफ वी बाय लोकल प्रोड्यूस द बर्डन कैन बी लेसन अगर लोकल प्रोड्यूस अपने बाय किया तो ये बर्डन कम हो जाएगा इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी आ जाता है ऑर्गेनिक फूड इज इन हाई डिमांड एज इट इंश्योर्स अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात कर रहे हैं जनरल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और वाला सेंटेंस मिल जाता है आसानी से डी इज द राइट ऑन चलिए आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक। बहुत ही आसान सा फिलर है आर्टिकल बेस्ड फिलर है <laughs> डैश थिंग ऑफ मैजिक इज अ वंडर फॉर द चिल्ड्रन जादू की मैजिक यानी कि जादू जादू की एक खास बात यह है कि वो बच्चों के लिए एक वंडर होता है बच्चों के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज होती है वो खास बात है ना मैजिक की सो द थिंग अबाउट मैजिक द थिंग वो खास बात है जादू की ऐसे हम बोलते हैं ना द थिंग अबाउट हिम

एक ही किसी चीज की बात कर रहे हैं जादू के बारे में एक चीज वो क्या है कि वो बच्चों के लिए वंडर बन जाता है ठीक है यस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है बैंड या ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है <coughs> द बैंड स्वेप्ड ऑल दवार एट द शो इस शो में जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे के सारे स्वीप कर दिए यानी कि सारे के सारे लेके गए सारे अवार्ड इसी बैंड को मिल गए मतलब बैंड यानी कि क्या है यहां पर यहां पर बैंड किस चीज के लिए है रेंज स्ट्रिप स्ट्राइप या फिर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ही होगा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है ना उन सभी को ये सारे अवार्ड मिल गए रेंज की बात नहीं कर रहे हैं स्ट्रिप की बात नहीं कर रहे स्ट्राइप की बात नहीं कर रहे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन she talked to herself in whispers in a or an manner वो अपने आप से बात करती थी कैसे इन व्हिस्पर्स यानी कि क्या है बहुत ही हल्की आवाज में तो अगर हल्की आवाज में बहुत छोटी सी आवाज में बात करते हैं आप तो कैसा मैनर है ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं फोर्थराइट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना ये भी नहीं चलेगा टाइमली मैनर यानी कि सही समय पर नहीं चलेगा क्लांडेस्टीन और क्लांडेस्टाइन इट मींस सीक्रेटली है ना जो सीक्रेट्स हैं जो छुप जो चीजें वो अपने आप से कह रही है वो किसी और को सुनाई नहीं देनी चाहिए इसलिए तो वो विस्पर कर रही है सही है ना क्लैंडस्टीन so, के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है चलिए अगला सवाल कोल्ड टर्की वॉट इज अ कोल्ड टर्की to develop cold feet to do something suddenly stop a bad habit or addiction to cook and cool turkey for a meal to have intense dislike for birds b b b b सब लोग b के साथ जा रहे बिल्कुल सही जवाब है to stop a bad habit or an addiction जो भी आपकी कोई बुरी आदत है या कोई addiction है उसको बंद कर देना कि बस आज से ये बंद करना है है ना तो उसको हम कहते हैं

ग्रामर वाला क्वेश्चन आ गया बताइए क्या होगा आंसर डायरेक्शन पढ़ने हैं सारे क्वेश्चन जो है ना इनके डायरेक्शन पढ़ने हैं और उसके बाद आंसर करना है आपको सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस टेंस कौन सा चाहिए उनको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हैड बीन प्लस वी फोर हैड प्लस बीन प्लस वी फोर है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट के वजह से हैड आता है परफेक्ट के वजह से बीन आता है कंटिन्यूस के वजह से वी फोर आता है तो कहां पर है देखिए हैड प्लस बीन प्लस वी फोर दो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है राजर हैड प्लस बीन प्लस वी इधर हैज आ गया नहीं चलेगा यहां पर हैड के बाद टॉट आ गया नहीं चलेगा यहां पर सिर्फ टॉट है नहीं चलेगा सो so, क्या होगा आंसर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है डी आंसर नेक्स्ट द बैग शी हैड लॉस्ट इन द मॉर्निंग कंटेन हर डॉक्यूमेंट्स देयर फोर्स शी इज वेरी वरिड कौन से पार्ट में एरर है

और कंटेन ये v1 फॉर्म में है यानी कि है और बैग ये आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर एक ही बैग है तो अगर बैग सिंगुलर है यानी कि ये भी तो singular होना चाहिए और singular वर्ब में end में एस लगता है तो कंटेन का क्या बनेगा बैग कंटेन्स हर डॉक्यूमेंट्स बाकी कोई एरर नहीं है तो प्रॉब्लम इस वर्ड में है तो तीसरा आंसर यहाँ पर सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर वन सॉरी ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है यस yes, बिल्कुल सही सो एज यू कैन सी क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा टफ भी नहीं है और कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इजी भी नहीं है मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस के ऊपर है एटीसी की जो एग्जाम हुई थी टीसीएस ने कंडक्ट करवाई थी उसके ऊपर आपकी आने वाली जो एग्जाम है वो कंडक्ट करने वाली है पांच ऑप्शंस रहेंगे उसमें और डिफिकल्टी लेवल मेरे ख्याल से यही रहेगा मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ज्यादा सुप्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे आपका जो बेसिक वोकेबलरी है आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर की वो ही काम आएगी आपके और अच्छे से आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे बढ़े शैल वी गोड स्कोर मार्क कर रहे हो ना सब लोग कितने सही हुए कितने गलत हुए जो भी बीच में से जुड़े हैं अभी से आप स्कोर मार्क करना शुरू कर दीजिए लेकिन सेशन के पहले वाले जो पार्ट आपने मिस किए हैं वो बाद में में रिकॉर्डेड फॉर्म देख लेना आप चलिए अगला सवाल देखते हैं चूज दैट डज नॉट फिट इन टू द थीम ऑफ द पैराग्राफ अगेन सेंटेंस फाइंड आउट करना हम्म hmm, सिंपल है गया आंसर बी 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 सब लोग बी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो है मतलब ये वाला जो है वो ऑड सेंटेंस है डेफिनेटली

After the principal finished his speech, he asked the students dash approach his secretary for further clarification. To approach two plus v one, तो two plus v one यानी कि तीसरा जवाब यहां पर सही होगा. Yes. Next. ये वाला थोड़ा सा tricky है. ध्यान से solve करिए. अंडरलाइन किए हुए वर्ड का सब्सटीट्यूट क्या होगा वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू रीच योर ड्रीम अटेन योर ड्रीम सिक्योर योर ड्रीम अचीव योर ड्रीम या गेट योर ड्रीम तो ऐसे क्वेश्चन में ना कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर कौन सा वो वर्ड है जो आपको आंसर तक पहुंचाएगा तो वो है ड्रीम ड्रीम को हम क्या करते हैं अचीव करते हैं सही बात है बिल्कुल अटेन किसे करते हैं मोक्ष प्राप्ति या फिर सेल्वेशन बोल सकते हैं सेल्वेशन को अटेन किया जाता है प्रीस्टहुड को अटेन किया जा सकता है सेंटहुड को अटेन किया जा सकता है है ना संत होना उसको अटेन किया जा सकता है और क्या है हम्म बिल्कुल सिक्योर किसे करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो आप है ना अपने करियर को सिक्योर कर सकते हो आप ड्रीम को ना सिक्योर नहीं करते और गेट किसे कोई भी चीज पैसे को यू कैन गेट मनी यू कैन गेट फेम सही है यू कैन गेट ऑल तो इनके साथ हम गेट का इस्तेमाल करते अचीव हम करते हैं ड्रीम को एम्बिशन को गोल को बैंक अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं हाँ बिल्कुल सही चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस नाउ ये वाला जो और सेंटेंस का क्वेश्चन है इसमें ऐसा नहीं है कि एक इन चारों में से कोई तीन सेंटेंस एक पैराग्राफ का हिस्सा है और एक सेंटेंस कोई ऑड है ऐसा नहीं है चारों अलग अलग सेंटेंसेस हैं लेकिन फिर भी उसमें से एक सेंटेंस ऐसा है जो ऑड है कौन सा वाला ऑड है प्रियंका बोल रहे हैं बी बी प्रेजेंट में है नहीं परफॉर्म्ड ईडी लगा के आ गया टेंस में ही है बी आंसर गलत हो जाएगा एक्चुअली इसका सही जवाब सी है क्यों है सी पता है क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस देखिए कॉजेस एक्टिव वॉइस ठीक है गेव एक्टिव एक्टिव वॉइस, वॉइस, आफ्टर टू बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस तो चार में से तीन एक्टिव वॉइस में है और बाकी के दो पैसिव वॉइस में है इसलिए यहां पर ये सेंटेंस बनता है ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है हाँ मतलब अभी ये क्वेश्चन ना एम्बिगुअस है कंफ्यूजन कॉज करने वाला है इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है ये आपको वहां पर डिसाइड करना है कभी कभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है तो कुछ लोग बोलेंगे सर ए क्यों नहीं फिर ये वाला कॉजेस वाला क्योंकि टेंस को अगर आप देखें तो कॉजेस लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में performed ये पास्ट टेंस में है v2 के वजह से was looked after ये पैसिव वॉइस में ही है लेकिन पास्ट टेंस में है और gave me a book ये भी पास्ट टेंस में है है ना तो चार में से तीन पास्ट टेंस में है एक प्रेजेंट टेंस में है ऐसा भी लॉजिक कुछ लोग दे सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम वो है कि पास्ट वाले जो तीन हैं ये भी सिमिलर टाइप के नहीं है उसमें भी पैसिव वॉइस वाला एक पास्ट है और ये जो एक्टिव है वो एक्टिव है एक्टिव एक्टिव पैसिव एक्टिव तो एक्टिव पैसिव वाला जो लॉजिक है वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करता है यहाँ पर प्रेजेंट और पास से ठीक है समझ में आई बात क्यों क्योंकि जो पास्ट वाले तीनों है वो भी सिमिलर पैटर्न में नहीं उसमें भी एक गलती है चेंज है एक्टिव पैसिव का ऐसे तो ये लॉजिक यूज करके आंसर करना नेक्स्ट एमिएबल एमिएबल सिनोनिम बताइए जल्दी से Hostile, फ्रेंडली हॉरिड या फिर कोल्ड Amiable का मतलब होता है फ्रेंडली ठीक है हॉस्टाइल का मतलब होता है एग्रेसिव violent, हिंसक हॉरिड something horrible, बैड घटिया घिनौना. कोल्ड तो आपको पता ही है चलिए अगला सवाल सोल्जर्स ऑन हॉर्स कॉम्बैट्स गैलेंट्री शिवलरी Cavalry. घोड़े पे जो हॉर्स पे सोल्जर्स आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कैवलरी कहते हैं है ना कॉम्बैट्स नहीं कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करने वाले या फाइट करना ठीक है झगड़ा फाइट गैलेंट्री का मतलब होता है ब्रेवरी ब्रेवरी शिवलरी का मतलब भी होता है ब्रेवरी तो ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के बी और सी तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट चार वर्ड्स यहां पर दिए हैं डिस्क्राइब्ड है फ्लोटिंग है सीरीन है और हैप्पीली है कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत है कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग माई ब्रदर डिस्क्राइब्ड हाउ ही वुड लव फ्लोटिंग इन द स्विमिंग पूल ऑन हिज बैक डैश एंड डैश मेरा ब्रदर हमेशा डिस्क्राइब करता था कि कैसे उसको स्विमिंग पूल में फ्लोट करना अच्छा लगता था ऑन हिज बैग ऐसे पीट केबल फ्लोट करना और ये पीट केबल फ्लोट करने वाली जो प्रोसेस है वो कैसे करता था वो सीरीन एंड हैप्पीली इसमें अभी देखिए कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर सीरीन ये एडजेक्टिव है तो एंड के बाद हैप्पी आ जाएगा एडजेक्टिव लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर हैप्पीली अगर एडवर्ब है एंड के बाद में अगर है तो फिर सीरीन का भी बनेगा सीरीनली

क्योंकि फ्लोटिंग अपने आप में वो एक्शन है यस और नो तो कामली एंड हैप्पीली या सीरिनली एंड हैप्पीली वो फ्लोट करता था समझ में आई बात इसलिए यहां पर आएगा सीरिनली हैप्पीली फिर अपने आप में करेक्ट है करेक्ट है तो आंसर नहीं हो सकता सीरिन के साथ जाएंगे इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू समझ में आई बात यस yes. चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ ये वाला देखिए थोड़ा अलग पैटर्न का सवाल है लिटिल हर्क्यूलिस के बाद द ब्लैंक है और उसके बाद एज लिखा है क्वेश्चन में और बीच में कुछ वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से रीअरेंज करना है ताकि वो इधर इन द ब्लैंक में बैठ जाए और फिर ये सेंटेंस हमको कंप्लीट करना है ठीक है ये ऐसे आपको करना है चलिए ट्राई कीजिए

समय लगेगा पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन को अगला सवाल सेम टाइप का है बस फिल इन द ब्लैंक में नहीं है डायरेक्ट सेंटेंस आ गया <coughs> फोर के साथ जा रहे हैं कुछ लोग डी आंसर बिल्कुल डी वाली जनता करेक्ट है कॉग्निशन ये जो होता है इसके बारे में बात कर क्या है कॉग्निशन इट इज टू डू विद द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग कमिंग टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग ठीक है डी आंसर बिल्कुल सही है कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है बी आंसर नहीं होगा देखियो कॉग्निशन इज टू डू कमिंग डू और कमिंग देखिए और के पहले डू है तो और के बाद कमिंग कैसे लिख सकते हैं ना पैरलिज्म ही गलत हो जाएगा डू और कम ऐसा होता तो चल जाता या डूइंग और कमिंग ऐसा होता तो भी चल जाता तो ये देख के ही आप ऑप्शन नंबर टू को हटा सकते हो सेम चीज यहाँ पर भी देखिए और के बाद कमिंग है और के बाद में प्रोसेस ऑफ है ये भी पैरल नहीं है यानी कि ये भी गलत है और यहाँ पर देखिए और के पहले कॉग्निशन है जो कि नाउन होता है और और के बाद कमिंग है तो ये भी पैरलेल नहीं है और के आगे और पीछे आने वाले जो पैटर्न है वही से आंसर आ जाता है जैसे यहां पर देखिए और के बाद अंडरस्टैंड है जो कि v1 होता है और और के पहले नो no है जो कि v1 होता है तो ये दोनों v1 v1 में आ गए मतलब हमारा पैरल कंस्ट्रक्शन आ जाता है ठीक है नेक्स्ट सेम ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट आ गया फिर से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया थान प्लस वी फोर मेन वर्ब का आई एन जी फॉर्म कहां पर है ऑप्शन नंबर टू में सिंपल है बहुत ही आसान है ठीक है नेक्स्ट अगला इडियम है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब क्या होता है इसका प्रॉवर्ब है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर

Spend time together. Option number three is the right answer. Say yeah? Next. One word substitution. To improve a situation or to make something better. Abscond, abide, ameliorate, abolish. किसी सिचुएशन को सही करना सुधारना एमिलरेट करना एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना जनरली कोई क्राइम करके कहीं से भाग जाना एब्सकॉन्डिंग अवॉइड hmm? का मतलब क्या होता है फॉलो करना जैसे अबाइड बाय द लॉज अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ओके फॉलो करना और एबोलीश का मतलब होता है बैन कर देना किसी चीज को तो so, बाकी सारे वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आएंगे नेक्स्ट लास्ट मंथ गुंजन है सब लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है कि थर्ड पार्ट में है आंसर थ्री करेक्ट होगा लेकिन रेक्टिफाई गलत कर रहे हो देखो ये बिग्न जो है इसका अगर आपने बिगन कर दिया बीजी यू एन क्योंकि ये होता है और आप बोलेंगे सर हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए का बनेगा बिगन तो आपका लॉजिक गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा पता है क्योंकि यहां पर लिखा लास्ट मंथ लास्ट मंथ होता है टाइम ऑफ रेफरेंस और टाइम ऑफ रेफरेंस के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आता सिंपल पास्ट टेंस आता है यानी कि हैड को हटाना है और सिर्फ बिज्ञान चलेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यह चल जाता लास्ट मंथ वाली जो स्टेशनरी होती है जिसमें इरेजर आता है पेंसिल आती है पेन आती है है ना और ए आर वाई वाला स्टेशनरी होता है जिसका मतलब होता है स्थिर एक जगह पर स्थिर रहना फिक्स्ड रहना नेक्स्ट yes. क्या कोई टू पुट ऑल एग्स इन बास्केट and carry them नहीं टू पुट ऑल in इन container, बिल्कुल नहीं Use all the money that you have with you. कुछ लोगों को यह लग सकता है लेकिन ये नहीं होता Risk everything in one venture. मतलब आपके पास जो भी है जितना भी पैसा है जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे की सारी किसी एक वेंचर में किसी एक बिजनेस में रिस्क करना उसको हम कहते हैं पुटिंग ऑल एग्स इन वन ठीक है? यस। yes. आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये. मतलब क्या है

अंडरलाइन किए हुए पार्ट में से कौन सा वाला गलत लिखा हुआ है ये बताइए द टीचर स्पोक सॉफ्टली एंड जेंटल टू द अन क्राइंग चाइल्ड और इनकंसोलेबली क्राइंग चाइल्ड एज शी इंस्टिंक्टिवली न्यू द सॉफ्ट हार्ट बिलो द रफ सर्फेस रफ सर्फेस चलेगा instinctively knew knew यानी कि पता था उसको verb है और कैसे पता था ऐसे पता था यानी कि एडवर्ब चलेगा ओके okay? उसके बाद inconsolably crying child crying मतलब रोता हुआ लड़का कैसा inconsolably रोता हुआ ये भी चलेगा softly एंड gentle नहीं आएगा यहां पर आएगा gently softly एंड gently यानी कि सा एरर है आपका बी पार्ट में एरर है ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर समझ में आई बात ठीक है यस yes. सो so, ये था हमारा आज का सेशन आई होप आप सभी को आज के ये सारे क्वेश्चन पसंद आए समझ में आए सारे लॉजिक समझ में आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ए एग्जाम के ऊपर आधारित इसलिए चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे बहुत सारे क्वेश्चंस डुएबल थे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्जाम में भी पांच ऑप्शंस रहेंगे लेकिन सेम पैटर्न में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है

सुपर कोचिंग में एनरोल नहीं किया है सुपर कोचिंग में आज ही फटाफट से एनरोल कर लीजिए उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और वहां से आपको एनरोल करना है और ये कूपन कोड अप्लाई करना है दिस इज कूपन कोड इसे अप्लाई करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा ए आई के लिए एक पेड बैच भी शुरू हो चुकी है जिसके क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो दैट इज ऑल फॉर टुडे मिलते हैं हम लोग अभी मंडे को दोपहर को दो बजे तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय बाय हैव अ गुड डे